We'll just start in few minutes. Let's others join. बाकी लोगों को join होने दो. अब तक 17th हो गए हैं. We'll just wait. We'll start within 2 to 3 minutes. Today we're gonna start. Yes, everyone is in right now. Tanvi, Shravani, Shravani, Sakshi, Ruchika is new, Rajlakshmi, Priti, Priti Gajul, Pudam, Madhavi, Goro, Disha, Asta, Aman, Ayush, SCNB Sahil, and Arbia. Chalo. Okay. So we'll just start. The lecture before starting, I just need to share the document. Just hold on, share the documents. This is the documents. So today the topic is on human health and diseases. So first of all, we'll go to the index part. Index, you can see the topic called human health and diseases. Where is the index? There is the index. You can see the topic number 10, human health and diseases. Yeah, why again? No, sir. Kisi ne start nahi kiya hai na? ठीक है तो अभी तक किसी ने स्टार्ट नहीं किया है तो हम स्टार्ट करेंगे इसको ठीक है विल जस्ट स्टार्ट दिस चैप्टर टुडे सो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट कि तुम लोग कुछ मुझे बताइए व्हाट इज मीन बाय हेल्थ बहुत फेमस डेफिनेशन था ड्यूरिंग कोविड किसी ने सुना भी होगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ What will be the definition of health? Health मतलब क्या? हिंदी में बोलो. English में नहीं जमेगा तो हिंदी में बोलो. Health का परिभाषा, health का meaning क्या है? बहुत simple, इतना कुछ difficult पूछ नहीं रहा. What is meant by health? Chapter number 10 है ना? बताओ बताओ. थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा ऐसे थोड़ी चलेगा छोड़ दूंगा नहीं बताओ व्हाट इज मीन बाय हेल्थ सिस्टम हाँ क्या प्रॉपर बॉडी सिस्टम नहीं रे हेल्थ 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 का डेफिनेशन चाहिए मुझे हेल्थ मतलब क्या व्हाट इज मीन बाय हेल्थ तुम लोग किसको हेल्थ बोलते हो अगर तुमको हेल्थ बोलना है तो किसको बोलोगे अगर मेरे को एक बंदे को हेल्थ बोलना है हेल्थ है या हेल्दी हेल्थ है या हेल्दी है तो मैं कैसे कौन से बेसिस पे बोलूंगा फिजिकली मेंटली एंड
सोशली क्या फिजिकली मेंटली सोशली क्या स्टेट ऑफ द पर्सन हाँ स्टेट ऑफ द पर्सन लाइक हेल्दी मॉम ठीक है तूने उधर देखा लगता है किधर तो डेफिनेशन किसने मैंने हाँ नहीं सर मैं अभी तक बुक ही ढूंढ रही हूँ ठीक है तो फिजिकली मेंटली एंड सोशली मतलब श्रावणी को छोड़ के कोई और बोल हेल्थ है हाँ टाइप्स ऑफ हेल्थ नहीं है रे वो कोई और बोल सकता है एब्सेंस ऑफ डिजीज ठीक है और कोई बताएगा बाकी लोग क्या सो रहे हैं क्या माधवी ने क्या लिखा है माधवी ने क्या लिखा है जो बोल के दिखाने का द कंडीशन ऑफ पर्सन बॉडी और माइंड कंडीशन तो नहीं कंडीशन बैड भी हो सकता है कंडीशन गुड भी हो सकता है तो वो नहीं है और कुछ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी ठीक है इलनेस ठीक है इंजरी भी ठीक है और कुछ अच्छा बोल सकते हैं कोई राइट है लगभग ओके बट थोड़ा और कोई अच्छा बोल सकता है थोड़ा और बेटर व्हाट इज मेंट बाय हेल्थ हम हेल्थ किसको बोलेंगे गौरव ने मैसेज करके बोला है क्या बोला है जो मैंने डिजीज से बचाता है वो इम्यूनिटी है जो हमको डिजीज होने से बचाता है उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं मैं इम्यूनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ हेल्दी अब मैं बोलूंगा तुझे हेल्दी कौन से बेसिस पे हेल्दी बोलूंगा कौन से बेसिस में तुझे हेल्दी बोलूंगा क्यों मैं तेरे को हेल्दी बोलूंगा और मुझे हेल्दी बोलना ही है तो मैं क्यों बोलूंगा When you don't have any disease or certain kind of problems regarding your health. Okay, not bad. तो अगर अब मैं बोलता हूँ सब डेफिनेशन में दे रहा हूँ सुन लो एक बार हेल्थ इज डिफाइंड एज फिजिकली मेंटली सोशली वेलबींग merely an absence of disease is called health. मतलब क्या हेल्दी हम उसको बोलेंगे जो फिजिकली फिट हो Now what is meant by physically fit? हम हेल्दी उसको बोलेंगे जो फिजिकली फिट होगा Now physically fit मतलब क्या physically fit मतलब जिसका हाथ पैर नाक कान ये सब गया नहीं है जैसा ह्यूमन बॉडी होना चाहिए वैसे ही वो फिजिकली दिख रहा है ना ही लंगड़ा है ना ही लूला है ना ही गुंगा है ना कुछ दैट इज कॉल्ड फिजिकली फिट सेकंड है मेंटली मतलब वो दिमाग की तौर से वो नॉर्मल है ना ही उसको कोई साइकिक मेडिसिन चालू है ना ही वो पागल है ना ही कुछ उसको दिमाग में दौरा पड़ता है इज नॉर्मल दैट इज कॉल्ड मेंटली स्ट्रेस भी नहीं रहेगा जहर सी बात है स्ट्रेस रहा तो भी प्रॉब्लम है स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए ठीक है विदाउट स्ट्रेस अब ये हो गया दो तीसरा पर सोशल वेलबींग क्या करोगे नाउ तो सोशल वेलबींग मतलब क्या सिर्फ इतना होने से काम नहीं बनता सोशली आसपास के लोगों के साथ कैसे बर्ताव करता है अच्छा बर्ताव करता है ऐसा तो नहीं जाते अगर कोई अंकल जा रहा उठ के पत्थर मार दिया नहीं सोशल वेलबींग सोशल में भी अच्छे से हमको सोशली भी हमको अच्छे से व्यवहार करना चाहिए इस सब चीजें को मद्देनजर रखते हुए ऊपर से उसको कोई डिजीज ना हो टीबी एड्स हेपेटाइटिस ऐसा कोई डिजीज ना हो तो उसको हम बोलेंगे हेल्दी और उसको बोलेंगे हम हेल्थ बराबर तो एक बार डेफिनेशन रिपीट करता हूँ हेल्थ इज डिफाइंड एज इज अ स्टेट ऑफ complete physical mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity matlab bhi disease jaisa koi bimari so that is called what health sir ye textbook mein hai ki likh ke lena rahega kyun nahi rahega dekho dhoondo kidhar na kidhar rahega
चौथा लाइन में देखो, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लाइन देखो, अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट मतलब परिस्थिति ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल राइट देखा क्या वेलबींग and not merely the absence of disease or infirmity is called health. In short, health मतलब bright जैसे जन्म से लेकर up to आगे तक के time तक कोई उसको metabolically functionally कुछ भी problem नहीं रहा तो उसको हम बोलेंगे health. ठीक है, आप बताए जो गौरव बोल रहा था जिससे हमको डिजीज से जो बचाता है उसको हम बोलेंगे health. नहीं, हमको जो डिजीज से जो बचाता है उसको हम बोलेंगे immunity. Now what is meant by immunity? बताओ. Now what is meant by immunity? So your ability to fight against any disease or any kind of. ठीक है. और कोई? Okay. और कोई? इससे बढ़िया बता सकता है? बता, इससे कोई अच्छा बता सकता है बेहतर? कोई बता सकता है? नो? ठीक है, तो इसको हम ऐसा बोलेंगे, इम्यूनिटी मतलब क्या, सिंपल भाषा में इम्यूनिटी मतलब क्या, रोग प्रतिकारक शक्ति. अब रोग प्रतिकारक शक्ति तो तुमने सुना ही होगा, हमको रोग होने से जो रोकता है उसको हम बोलते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति. अब रोग मतलब डिजीज, डिजीज से हमको रोकने वाला जो इम्यूनिटी पावर होता है उसको हम बोलेंगे इम्यूनिटी. अब इम्यूनिटी बहुत अलग अलग टाइप के इम्यूनिटी होते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ेंगे, उसके कितने प्रकार होते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं, नो डाउट. बट उससे पहले थोड़ी सी चीज हमको जान के लेना है, व्हाट इज मीन बाय एंटीजन, व्हाट इज मीन बाय एंटीबॉडीज, और हमारा इम्यूनिटी कैसे काम करता है, ये कौन से बेसिस पे इम्यूनिटी काम करता है, कोई बता सकता है? नहीं, ये थोड़ा टफ होगा बता. थोड़ा सा टफ जाएगा, मैं ही बता देता हूं. एंटीजन मतलब जो डिजीज फैलाने वाला या बीमारी फैलाने वाला, आइदर वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, आइदर वो वायरस भी हो सकता है, आइदर वो प्रोटोजोआ भी हो सकता है, या एक्स वाई जेड जो बीमारी फैलाने वाला कीटाणु, एंटीजन बोलेंगे. और एंटीबॉडीज क्या बोलेंगे? एंटीबॉडीज मतलब ऐसे कुछ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसका नाम बाद में बताऊंगा, यानी तो WBC हो गया तो मैं बता ही देता हूँ. जैसे कि तुम लोगों ने एक WBC के टाइप में पढ़ा होगा लिम्फोसाइट्स, याद है मैंने बोला था लिम्फोसाइट, मैंने बताया था लिम्फोसाइट क्या रिलीज करता है, एंटीबॉडीज, याद है मैंने बताया था एंटीबॉडीज वो रिलीज करता है, वो किसके खिलाफ काम करता है, वो अभी बता रहा हूँ एंटीजन. अब ये एंटीजन होता क्या है, मैंने बता दिया, बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ जो बीमारी फैलाने वाला है. तो जैसे वो अंदर आता है, ले लिया सांस अंदर आ गया, या कट गया अंदर आ गया, या खाना खा लिया अंदर आ गया. अब अंदर आने के बाद जब वो अंदर आ जाता है, अंदर आ जाने के बाद क्या हो जाता है पता है, अपने पास एक इम्यूनिटी पावर होती है जिसको हम बोलते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति. तो वो WBC का एक सेल है जिसका नाम है लिम्फोसाइट्स, वो एंटीबॉडीज रिलीज करता है. तो एंटीबॉडीज रिलीज करता है तो पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज होती है, तो वो एंटीजन को पकड़ लेता है, एंटीबॉडीज जाके एंटीजन को पकड़ लेता है, पकड़ के उसको डिसॉल्व करके हम एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के थ्रू वो एंटीजन को मार देता है. ये बहुत ही सिंपल फंडा है, ये होता है. तो इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये, अगर अगर कोई जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, जिसके अंदर एंटीबॉडी स्ट्रांग से, एंटीबॉडीज अच्छे से है, तो उसको कोई डिजीज होगा नहीं, सीधा सीधा है, एंटीजन आया एंटीबॉडी मार दिया. अगर जिसका इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं है, जिसके अंदर एंटीबॉडीज ज्यादा डेवलप नहीं होते, इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं है, उसका क्या होगा, बीमारी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड डिजीज. तो डिजीज नहीं होने के लिए इम्यूनिटी पावर उतना ही इम्पोर्टेंट है, और इम्यूनिटी के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो अभी तो देखेंगे. उससे पहले कंसेप्ट समझ के लो,
कंसेप्ट ये है कि हेल्थ एंड ह्यूमन डिजीज के बारे में अगर बताया जाए तो हेल्थ मतलब क्या, अ स्टेट ऑफ फिजिकली मेंटली एंड सोशली वेलबींग, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, उसको कोई बीमारी नहीं हो चाहिए, फिजिकली मेंटली सोशली अच्छा होना चाहिए, उसको कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्ड हेल्थ। उसके अलावा इम्यूनिटी मतलब क्या, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, इम्यूनिटी डेवलप्स अगेंस्ट एनीथिंग, कुछ भी इन्फेक्शन होके गया तो भी इम्यूनिटी डेवलप होती है, जैसे कोविड हम बोलते हैं ना, अरे मेरे को तो इम्यूनिटी हो गया, कोविड होके गया, बच गया, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब ओके, तो इम्यूनिटी तो होके गई ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट कोविड, एक इम्यूनिटी होके गया। तो वो अलग अलग टाइप है, वो नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, पैसिव, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो ये पहले समझ के लो, इम्यूनिटी मतलब क्या, रोग प्रतिकारक शक्ति, सिंपल में दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर, इसको हम इंट्रोडक्शन बोलेंगे। अभी तक मैंने ये स्टार्ट नहीं किया है चैप्टर को, जस्ट एक इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया है। अब मैं आगे जाने से पहले, किसको यहाँ किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ लो, एक दो मिनट रुक दो, फिर हम हेल्थ एंड डिजीज। हाँ, और एक भी है इंट्रोडक्शन में, और एक पार्ट बताना है, डिजीज मीन्स व्हाट। चलो, हेल्थ समझ में आ गया, डिजीज मतलब, अब डिजीज बता दो क्या होता है, हेल्थ तो समझ। सर, इट इज अ फैक्टर व्हिच डिटीरियोरेट्स आवर हेल्थ। ठीक है, राइट है, और कोई और अच्छे से हिंदी में भी चलेगा। इतने लोग है, 20 लोग है, 20 में से किसी को भी नहीं समझ रहा है, किसी को भी नहीं पता डिजीज मतलब क्या। हिंदी में बोलो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, जैसे उसने तो बताया थोड़ा बहुत श्रावणी ने, बाकी किसी को कुछ बताने तो बोलो। नहीं पता, चलो, डिजीज, डिजीज मतलब उसने जैसा बोला, कोई भी लिविंग पैथोजन या कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज डिटोरेटिंग द बॉडी सेल और टिश्यूज and creating a symptoms or sign, that is called what disease. मतलब disease हम उसको बोलेंगे, ये कोई भी living organism, ठीक है, जैसे कि हो गया समझो आपका bacteria, virus, जो भी XYZ जो pathogen है, वो अगर human cell पे आता है या human body पे आता है तो वो sign और symptoms दिखाता है और वो बीमारी को फैलाता है, that is called what disease. Simple. तो हमको दो अलग अलग chapter पढ़ना है, तुम लोगों ने note down नहीं किया होगा, human health एंड डिजीज मतलब क्या, ह्यूमन हेल्थ हम पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ में एक एक टॉपिक में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, हम क्या पढ़ेंगे और डिजीज में हम क्या पढ़ेंगे वो भी बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ में हम पढ़ेंगे क्या, हेल्थ का डेफिनेशन जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इम्यूनिटी पढ़ेंगे, इम्यूनिटी के कितने टाइप है वो पढ़ेंगे, कुछ टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स एक प्रकार है जिससे इम्यूनिटी काफी अच्छे से आता है, काफी स्ट्रॉन्ग मिलता है हमको, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टी लिम्फोसाइट एंटीजन, एंटीबॉडीज का डायग्राम पढ़ेंगे, एंटीबॉडीज दिखता कैसा है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे और ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, खत्म। ये हो गया तुम्हारा क्या, हेल्थ, इतना को हेल्थ बोलेंगे। बट डिजीज, अब हेल्थ खत्म हो गया एंड डिजीज है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, तो डिजीज में क्या क्या पढ़ेंगे हम, एन नंबर ऑफ डिजीज पढ़ सकते हैं, एन नंबर ऑफ डिजीज पढ़ सकते हैं, जैसे लंग से लेकर हम पूरे डिजीजेस हम इसमें पढ़ेंगे, जो स्पेशली इन्फेक्शन के थ्रू होता है ना वो हम पढ़ेंगे, जैसे कि निमोनिया, जैसे कि एस्केरियासिस, जैसे कि बहुत सारे, जैसे सार है, कोविड भी इसमें दिया होगा तो दिया होगा, नया सिलेबस में दिया होगा, इसमें तो नहीं देंगे क्योंकि ओल्ड है ये बुक, कोविड भी आएगा नेक्स्ट टाइम, डिजीज में कोविड भी आएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें है, जॉन्डिस हो गया, ये एक्स वाई जेड नंबर है, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब जो मैंडेटरी डिजीज, जो डेंजर है, जो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो डिजीज के बारे में इंडिविजुअली पढ़ना है। अब इंडिविजुअली मतलब मलेरिया पढ़ेंगे खत्म, टाइफाइड पढ़ेंगे खत्म, निमोनिया पढ़ेंगे खत्म, ऐसा एक 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 करते 10-12 कुछ डिजीज है वो पढ़ेंगे। क्लियर? This is what
द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. किसी को कुछ पूछना है? 5:54 हो रहा है, 5:55 पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ. यानी तो किसी को रीड करना है तो रीड करो. और ह्यूमिनिटी जो है ना, मैं बताता हूँ ह्यूमिनिटी का स्टोरी तुमको पता है क्या, कैसे पता चला? किसी को पता है ह्यूमिनिटी मतलब क्या, कैसे पता चला? पता है बताओ, सुना होगा ना? कैन यू रिपीट? हाँ, सर क्वेश्चन रिपीट करो. सुना, मैंने ये बोला कि ह्यूमिनिटी, ह्यूमिनिटी कहाँ से आया ये वर्ड, और किसने डिस्कवर किया, और क्या करते समय डिस्कवर किया? नो आइडिया सर. हु इज द फादर ऑफ ह्यूमनोलॉजी? तो याद रखो, एडवर्ड जेनरी. सुना होगा एडवर्ड जेनरी, उसने क्या किया था, कॉपॉक्स वैक्सीन बनाया था जो स्मॉल पॉक्स के खिलाफ काम करता था. ठीक है, कॉपॉक्स जो वैक्सीन बनाया उसने इम्यूनिटी बताया कि हाँ, मैं कॉपॉक्स का दे रहा हूं तो मेरे अंदर एंटीबॉडीज बन रहे हैं और इम्यूनिटी बन रहा है. तो दैट इज व्हाट वो एडवर्ड जेनरी ने देखा था. उसके बाद उसने जिस जिसको कॉपॉक्स दिया उसको स्मॉल पॉक्स हुआ नहीं, बस इम्यूनिटी बन गया था, उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बढ़ गए थे. तो जैसे पैथोजन आता था मर जाता था, जैसा भी वैक्सीन का हो रहा है. बराबर, तो एडवर्ड जेनरी इज अ फादर ऑफ ह्यूमिनिटी. काउपॉक्स मतलब क्या? कुछ नहीं, काउ पॉक्स मतलब जो काउ को होता था ना, चिकन पॉक्स जैसा. अच्छा, मतलब काउ वाले डिजीज़. हाँ हाँ, तो उसने उसके वो जो वायरस से हो रहा था, वो वायरस का उसने म्यूटेंट बना के वैक्सीन बनाया, और वो वैक्सीन हमको देते थे होने से पहले. मतलब मेरे को नहीं हुआ अभी तक कॉपॉक्स, मैंने ले लिया तो मेरे अंदर वो एंटीबॉडीज आ गए. एंटीबॉडीज आने की वजह से मैं क्या हुआ, इम्यूनिटी हो गया उसके. हाँ, इम्यून हो गया. तो उसके खिलाफ मेरे को अगर कोई उसका, समझो मेरे पास ऑलरेडी सॉल्यूशन है अंदर, और किसी ने बाहर से क्वेश्चन फेंका तो सॉल्यूशन अंदर ही है, तो सॉल्व हो गया वैसा. बराबर, सिंपल. और इम्यूनोलॉजी मतलब क्या, स्टडी ऑफ ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन रिस्पॉन्स टू फॉरेन सब्सटेंस, रोल इन रेजिस्टेंस, वो सब समझ में आ जाएगा. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो क्लियर हो गया, कोई इंट्रोडक्शन पढ़ लो, फिर हम टाइप ऑफ इम्यूनिटी स्टार्ट कर देंगे. चलो, इम्यूनिटी पढ़ने की हेल्थ डज नॉट सिंप्लीफाई, तो पढ़ाया नहीं मैंने अभी तक. इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी दो ब्रॉड में डिवाइडेड है, वो दो ब्रॉड और दो ब्रॉड में डिवाइडेड है, मतलब टोटल चार में डिवाइडेड है, दो जाके चार में डिवाइडेड है. अभी नहीं पढ़ाया मैंने ह्यूमैनिटी, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ाया. जो भी इंट्रोडक्शन पढ़ाया वो एक बार रीड करते हैं. यस सर. हेल्थ डज नॉट सिंपलीफाई मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस. इनफैक्ट इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन हेल्थ. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. In short, health is birthright of humans. Health also reflects the metabolic and functional efficiency of living organisms. Hygiene is a science of rules of health. To achieve good health, it is therefore necessary that we have hygienic balanced diet, clean drinking water, personal and community hygiene, regular physical exercise, knowledge about diseases and their effect on body, proper disposal of waste and control of vectors. Every day we are exposed to various foreign bodies, including infectious agents like bacteria, viruses, etc. Despite constant exposure to a variety of pathogens, most of us remain healthy. This is due to fact that the human body has ability to resist almost all type of these foreign system, which protects us from various infectious agents, is called immune system. Resistance is the ability to prevent the damage or disease through our defense mechanism. रुक जा. अब immunity system या immune system को हम क्या बोल सकते हैं? Defense mechanism. Defense. ये तुम लोग word कहीं ना कहीं सुना होगा. रे defense मतलब तो ये defense हो गया, defend करना.
मतलब हमला कर रहा है कोई तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना, दैट इज कॉल्ड डिफेंस। तो ये डिफेंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है? यस, ये डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है कब कोई कैसे भी अनजाना या अनजाने से अंदर आ जाता है कोई एंटीबॉडीज, तो उसके खिलाफ जो डिफेंस, उसके खिलाफ जो ताबड़तोड़ स्टेप डाउन करना है या उसको रोकना, दैट इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। इम्यूनिटी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। आगे immunity. The term immunity has traditionally referred to as the resistance exhibited by the host towards injury caused by the pathogens and their products. However, protection against infectious diseases is only one of the many consequences of immune response, which is entirely concerned with the reaction of the body against the foreign antigen. और ये और एक चीज है जो इम्यूनिटी है ना वो कभी भी जागरूक नहीं होता, मतलब आई मीन टू से कभी भी एक्टिव नहीं होता। वो एक्टिव कब होता है पता है क्या? अगर लगता है कि समझो, ऐसे मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ फिर समझ में आएगा। अंदर बंदा सो रहा है, रूम में बंदा सो रहा है, वो अचानक जगेगा नहीं, उसको अगर कोई दरवाजे पे आके उसको टक टक करेगा या दरवाजे को छेड़छाड़ करेगा तभी छूटेगा, उसके पहले वो सोते ही रहेगा। मतलब इम्यून सिस्टम भी ऑलरेडी अंदर है हमारे, बट जब उसको कोई दस्तक या कब जब कोई इसको छेड़ता है विद द हेल्प ऑफ वायरस बैक्टीरिया कुछ भी, तो तब इम्यूनिटी तुरंत एक्टिवेट होता है और उसको एंटीजन पैथोजन जो भी है उसको पकड़ के मारने की कोशिश में रहता है। ये हो गया इम्यूनिटी सिस्टम का पावर। पढ़। Immunity is in fact the freedom or exempt. The concept of immunity is believed to be started by Edward Jenner in England. He developed cowpox vaccine for the protection against the attack of smallpox virus. Immunology is a branch of science which deals with the study of immune system. Immune responses to foreign substances and their role in resisting infection by pathogens. The most important characteristic of immune system is that it distinguishes self and non-self molecules. Right. So self or non? हाँ रुक जा. Okay. What is meant by self or non-self? बताओ. ये बहुत important है, ये मैंने बताया. जो खुद से होता है और जो दूसरे से नहीं. और भी कोई अच्छे से बता सकता है? सेल्फ और नॉन सेल्फ। देखो क्या होता है पता है, इम्यूनिटी के पास इतना पावर होता है कि खुद के सेल को पहचान सकता है और दूसरे के सेल को भी पहचान सकता है। अगर इम्यूनिटी समझो, मेरा बोलने का मतलब ये है कि समझो चार लोग हैं, दो समझो बैक्टीरिया है और दो अच्छे लोग हैं। अब ये दो और चार टोटल जो दो प्लस चार, ये चार लोग एक ही तरीके के कपड़े पहने हैं, एक ही तरीके का मास्क पहना है, एक ही तरीके का टोपी पहना है, एक ही तरीके का कपड़े पहने हैं, मतलब A to Z सेम है, किसी में कुछ फर्क नहीं है। और क्या हो रहा है, जैसे वो रूम में एंटर करते हैं तो धाड़ 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 फायरिंग करते हैं समझो। बट ये क्या होता है, जब सेल्फ और नॉन सेल्फ, इम्यूनिटी क्या करता है, वो उसको पता रहता है मेरे को किसको मारना है। सेल्फ सेल को कभी नहीं मारेगा, जब तक नॉन सेल्फ रहेगा ब्लड के अंदर बैक्टीरिया को मारते जाएगा गन मशीन से मारते जाएगा, डाड़ 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 मारते जाएगा। जब पता चला पूरी तरह बैक्टीरिया मर गए फिर शांत हो जाएगा, नहीं तो क्या खुद के भी सेल डैमेज हो सकते हैं ना, तो वो डैमेज नहीं करके लेता है। दैट इज वॉट द मेन फीचर ऑफ इट, self recognizing of self and non-self cells. Barabar. Aage badh, the most important characteristic of immune cell is that it distinguishes self and non-self molecules or invading cells. Wo bata diya maine. So the immune system differentiates between the body cells and the invaders. Any foreign substance invading body and capable of stimulating an immune response is called an antigen. ठीक है, मतलब रुक जा,
एंटीजन मतलब क्या, कोई भी हो, कोई भी बॉडी सब्सटेंस, कोई भी बाहर की चीजें हो जो इम्यून रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट करेगा और डिजीज को करने के लिए क्षमता रखेगा, उसको हम एंटीजन बोलेंगे, और एंटीबॉडी उसको उल्टा बोल। The protective chemicals produced by immune cells in response to antigens are called as antibodies. ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट्स? पूरा Yes, चैप्टर sir. तो एक्चुअली इसमें पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, बट हमको अभी टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ना है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में किसी को कुछ डाउट है? क्या चल रहा है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज समझ में आ गया? डिजीज मतलब डेफिनेशन दे दिया हम, बस हो गया। और उसके बाद के जो डिजीज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी वो पढ़ लेंगे डिजीज, ह्यूमन हेल्थ हमको स्टार्ट करना है मेनली फोकस करके इम्यूनिटी पे। तो इम्यूनिटी, व्हाट इज मीन बाय इम्यूनिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है 3 मार्क्स के लिए या ऑल्टरनेट एग्जाम के लिए आ सकता है। ठीक है, नो व्हाट इज मीन बाय इम्यूनिटी तो हो गया, नॉट टू टाइप इम्यूनिटी। आप ध्यान से सुनो, दो तरीके का इम्यूनिटी तुमने भी नोटिस किया रहेगा, दो तरीके का, दो अलग अलग तरीके का इम्यूनिटी होती है। तुम लोगों ने भी कभी नोटिस किया होगा दो अलग अलग तरीके का इम्यूनिटी, अगर नहीं भी किया है तो बता देता हूं। अगर अगर समझो इंसान बचपन से ही, ठीक है, बचपन से ही इम्यूनिटी लेकर आता है, उसको हम बोलेंगे इननेट इम्यूनिटी, इननेट INNATE, इसमें शायद ही वर्ड दिया है या नहीं दिया है बाद में देख लेंगे। हाँ दिया ही, ये तो है, फर्स्ट ही दिया है, इननेट इम्यूनिटी, या उसको इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी और इनबॉर्न इम्यूनिटी, और दूसरा आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मतलब अब बाद में अपने अपनाया है। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो, इनबोन या इननेट, इननेट वर्ड को पहले पकड़ो, इनबोन को छोड़ दो, इननेट, इननेट INNATE, इननेट इम्यूनिटी मतलब ये बचपन जैसे ही हम बर्थ हुए तब से लेकर अपने साथ ही चल रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इननेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दूसरा पार्ट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब हमने उसको हासिल किया है, हासिल कैसे किया है वो मैं बताता हूँ। जैसे वैक्सीन लेकर, यानी तो बीमारी लेकर, जैसे मुझे अभी हो गया समझो कोविड, दोबारा आने का चांसेस थोड़ा कम है, ये ऐसा। तो इस तरीके से जो होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, इननेट इम्यूनिटी, क्लियर। और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आगे जाता हूँ और भी थोड़ा डिटेल में जाता हूँ, इननेट इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी उसको और एक भी नाम बोलेंगे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और उसको बोलेंगे स्पेसिफिक इम्यूनिटी। क्यों वो अभी नहीं बताऊंगा, इसका नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे जब जाएंगे तो तब बताता हूँ, अभी बताऊंगा तो समझेगा नहीं शायद लोगों को, आगे जब आएगा ना तो मैं बताता हूँ। अब इसका बोलने का मतलब क्या है सुन लो, इसमें कोई इम्यूनाइजेशन नहीं रहता है। जैसे कि सिंपल एक एग्जाम्पल देता हूँ, बैक्टीरिया को, तुम लोग ही मेरे को इसका आंसर दो, बैक्टीरिया को ब्लड ऐसे रह सके। फिर से बता, बैक्टीरिया वायरस एक्स वाई जेड, बैक्टीरिया वायरस एक्स वाई जेड जो डायरेक्टली ब्लड से रिस्ट्रिक्शन है, तो ऐसा क्या चीज है बताओ, बताओ बताओ। सर रिपीट करो ना, आपका वॉइस लैग हो रहा था। लैग हो रहा था, अभी सही है वॉइस, अभी ठीक है। हाँ सर, 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक, मैं चाहिए तो वाईफाई कनेक्ट कर रहा था, लैग हो रहा था, 1 सेकंड रुक। एक सेकेंड रुको, वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ।
सॉरी, अभी आवाज आ रही है क्या? पहले से बेटर है क्या? मैंने वाईफाई कनेक्ट किया अभी थोड़ी देर पहले. यस बेटर देन लास्ट? आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? यस सर. एम आई ऑडिबल? यस सर. आवाज आ रही है क्या? अरे कोई तो यस और नो बोलो. यस सर. लैग हो रहा है मेरे को. यस सर. मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस सर. क्लियर है? क्लियर 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 है क्या? इट्स क्लियर करके देखो. अगर क्लियर था तो तुम्हारा लैग हो रहा है रे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. अभी जो तुमने यस सर बोल रहा था, यस सर ऐसा आ रहा है, लैग हो रहा है. मेरा लैग नहीं हो रहा है ना? नो सर. नो सर. हाँ ठीक है, चलो फिर. मेरा लैग नहीं हो रहा था, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. चलो तो अब मैं बता रहा था, सुन लो. इननेट ह्यूमिडिटी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है. इननेट ह्यूमिडिटी 3 मार्क्स, सॉरी ह्यूमिडिटी 3 मार्क का क्वेश्चन पूछता ही है ऑल्टरनेट, एक दिन एक बार छोड़ के एक बार. तो इननेट ह्यूमिडिटी जो होता है वो क्या होता है? ह्यूमिडिटी तो डेफिनेशन बता दिया, ह्यूमिडिटी के 2 पार्ट में डिवाइडेड है. इननेट ह्यूमिडिटी, दूसरा होता है एक्वायर्ड ह्यूमिडिटी. जो इननेट ह्यूमिडिटी है वो जन्म से ही होता है, जैसे बच्चा पैदा हुआ तभी से लेकर मरने तक रहता है, दैट इज कॉल्ड इननेट ह्यूमिडिटी. उससे अपनाते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्वायर्ड ह्यूमिडिटी. एक्वायर्ड ह्यूमिडिटी ठीक है, और उसको हम दूसरा भी नाम बोल सकते हैं. एक्वायर्ड ह्यूमिडिटी को हम दूसरा नाम बोलेंगे एडेप्टिव ह्यूमिडिटी, जैसे एडेप्ट किया है मैंने बताया ना. इनबोर्न को हम इननेट को हम इनबोर्न भी बोल सकते हैं. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इननेट ह्यूमिडिटी का नंबर 1 ए, एपिथेलियल सरफेस. नाउ व्हाट इज मीन बाय, मैंने अभी जस्ट थोड़े देर पहले एक सवाल पूछा था कि जैसे मैं जन्म हुआ हूँ, जैसे मेरा बर्थ हो गया है, बर्थ होने के बाद से मेरे ब्लड के अंदर एक भी बैक्टीरिया और वायरस डायरेक्टली जाता नहीं है, ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, स्किन. जैसे जन्म हुआ क्या है? स्किन है ना, स्किन बैरियर का काम कर रहा है. बैरियर मतलब क्या? रुकावट. रुकावट मतलब क्या? वायरस बैक्टीरिया का अपने ब्लड के अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं. अगर स्किन नहीं रहा, समझो इमेजिन करो स्किन नहीं है, बच्चा जन्म हुआ स्किन नहीं है, उसका टिश्यू दिख रहा है, उसका मसल्स दिख रहा है, उसका मांसपेशी सब दिख रहा है, तो क्या होने का चांसेस है? जैसे बेबी बाहर आएगा तो इन्फेक्शन, बराबर. उसके ऊपर इन्फेक्शन होने का चांसेस काफी ज्यादा है, उसके ऊपर बैक्टीरिया वायरस बहुत सारी चीजें बैठेगी, बराबर. तो उससे अच्छा क्या करना है, भगवान ने बोला इसको मैं इननेट करता हूँ, इनबोन बनाता हूँ, उसके ऊपर पूरा का पूरा स्किन डाल दिया, स्किन से पूरा कवर कर दिया, जिस वजह से अब क्या होगा, बाहर से बैक्टीरिया या वायरस डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकता. इनडायरेक्ट तरीके से जाएगा, बट डायरेक्ट तरीके से तो नहीं जा सकता है, बराबर. वो हो गया स्किन, और क्या रहेगा? एक तो गया स्किन, दूसरा हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन. एक हो गया स्किन, दूसरा हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन. अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब जब मुंह खोलोगे, जो अंदर का जो पार्ट है पूरा म्यूकस है, ये हो गया. यानी तो इसोफेगस है, इसोफेगस जो अन्न नलिका है, अन्न नलिका भी बाहर का लेयर जो है वो भी तुम्हारा है यही मटेरियल से बना हुआ, जिसको हमें म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है. ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन भी अवॉइड करता है, डायरेक्टली अंदर बैक्टीरिया वायरस को जाने नहीं देता, बराबर. ये हो गया. उसके अलावा क्या और क्या रह सकते हैं हमको बताओ? तुम लोग एक सिंपल सी चीज में तुम लोगों को पूछता हो, सिंपल सी चीज पूछता हो, बैक्टीरिया वायरस एंटर होने का जगह क्या है? जगह क्या क्या है वायरस या बैक्टीरिया को एंटर, मतलब शरीर के? हाँ हाँ, क्या आवाज ब्लेक ब्रेक? आईज माउथ ईयर नहीं, और ठीक है एक एक राइट है तेरा माउथ, और मेन में एक ही बोला तूने मेन, बाकी और भी है, कौन बताएगा? माउथ तो राइट है,
100% माउथ राइट है, और इन्फेक्शन और कहाँ कहाँ से जा सकता है? चलो मैं बता देता हूँ इन्फेक्शन कहाँ कहाँ से जा सकता है। तुम्हारा इन्फेक्शन जा सकता है माउथ से, कब जा सकता है माउथ से? जब हम खाना खाएं, खाना खाएंगे ना, खाना या पीना, समझो समोसा है बट समोसा 3 दिन से बासी है, उसके ऊपर बैक्टीरिया है जो भी ग्रो हो गया, हमने मुंह से खा लिया, गया ना अंदर बैक्टीरिया, बीमारी हो सकती है, लूज मोशन बराबर, या कोई भी डायरिया कॉलेरा कुछ भी हो सकता है। एक हो गया माउथ इन्फेक्शन, वायरस और बैक्टीरिया गोइंग थ्रू माउथ, एक हो गया। दूसरा रूट ऑफ इन्फेक्शन, बताओ, बहुत कॉमन है। हाँ नोज राइट, नोज किसने बोला? राइट है, नोज या एयर हम बोल सकते हैं, एयर बोलो तो और परफेक्ट है, आजकल जो चल रहा है कोविड, एयर एरोसोल है ना, मास्क नहीं लगाया, कोविड इन्फेक्टेड एरिया के आसपास गए, वो तो सांस ले रहा है छोड़ रहा है, हमने क्या कर दिया, हमने भी ले लिया अंदर, चले गए अंदर लंग्स में, इन्फेक्शन दो हो गया, माउथ और एयर हो गया, और आवाज लैग हो रहा है, मेरी आवाज आ रही है तुमको बराबर? यस सर। तो इसका लैग हो रहा है ना वॉइस जो बोलने जा रही है? नो सर, जो अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, हाँ जो थोड़ी देर पहले बात करी थी उसका वॉइस लैग हो रहा है बराबर, कि मेरे को लैग सुनाई दे? उसका नहीं हो रहा था वॉइस लैग, बराबर सुनाई दे रहा था। ठीक है, तो मेरे को लैग हो रहा है, ठीक है कोई इश्यू नहीं है। तो एक हो गया माउथ, दूसरा हो गया नोस, तीसरा हो गया मोस्ट कॉमन स्किन। कैसे स्किन कैसे? अरे अगर समझो स्किन कट गया, स्किन कट गया, कटा है वो, तो वो जरिए के थ्रू वो ब्लड सिस्टम में जा सकता है। स्किन कट गया, ऊपर का लेयर कट गया, उसके अंदर ब्लड गया, ब्लड को ब्लड वेसल्स को लगा, ब्लड वेसल्स को ऊपर ग्रो हुआ टिश्यूज के ऊपर, अंदर चले गया, बहुत कॉमन तरीका। तो ये जब चीजें है उसमें से भगवान ने हमको दो सिस्टम सॉल्व करके दे दिया। कौन सा? एक हो गया स्किन, चलो भाई तू बोलता है, हाँ हेलो, से एक दो सिस्टम सॉल्व करके दे दिया, ठीक है तुम बोलते हो कि स्किन के थ्रू डायरेक्ट इन्फेक्शन जाता है, तो चलो मैं स्किन अच्छा बना के देता हूँ और मुकस मेम्ब्रेन लगा के दे देता हूँ, तो तुम्हारा डायरेक्टली डायरेक्टली नहीं जाएगा, तुम कुछ गड़बड़ करोगे, ज्यादा ही गंदा चीज खाओगे तो होगा, या ज्यादा ही गंदा हवा खाओगे तो ही तुमको होगा डिजीज। इसलिए तो हम बोलते हैं हवा और खाना अच्छा रहना चाहिए, फ्रेश रहना चाहिए, उससे डिजीज नहीं होता। अच्छे हवा में गए, अच्छे वातावरण में गए, अच्छा एयर ले रहे, डिजीज नहीं होगा। अच्छे जगह गए, अच्छा खा रहे हैं, सात्विक खा रहे हैं और अच्छे से रह रहे, तो डिजीज नहीं होगा। अगर इसका उल्टा किया, गंदगी खाया, कुछ भी खाया, पिज्जा खाया, ये खाया, वड़ा पाव खाया, वो ये किया, तो डिजीज होगा। सांस भी लेने में क्या, गलत जगह पे जाके सांस ले रहे हो, हॉस्पिटल में सांस ले रहे हो, या जगह कहीं भी जाके अच्छे से सांस ले रहे हो, मतलब गंदगी में सांस ले रहे हो, पोल्यूशन में सांस ले रहे हो, तो डिजीज होगा। तो ये दोनों चीजें भगवान ने छोड़ दिया तुम्हारे पे और एक को सॉल्व करके दिया, उसका नाम है स्किन एंड मुकस मेम्ब्रेन, विच इज कॉल्ड व्हाट, एपिथेलियल सरफेस, बराबर। और एक है कभी 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 डिफेंस मैकेनिज्म कैसा होता है, कफ के जैसे रेस्पिरेटरी के वजह से होता है, जैसे कि क्या जगह एक हाथ बार देखो क्या होता है, हम लोग गलती से कुछ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ रहेगा, अगर गलती से हम ठसका बैठता ना, गलती से हमने खाते खाते कुछ ऐसे कन ट्रकिया में जाएगा, तो खांसी आती है, इतनी खांसी आती है कि वो ट्रकिया इसोफेगस जो ट्रकिया ओपन हो जाता है, इसोफेगस की तरह बंद हो जाता है, और वो ट्रकिया में कुछ गलती से भी गया तो बाहर आ जाता है, तो वो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक। उसी तरह एसिडिटी के साथ भी होता है, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स,
ये सब जो चीजें है दैट इज कॉल्ड व्हाट रिलेटेड टू इननेट ह्यूमैनिटी. एक बार इननेट ह्यूमैनिटी पढ़ ले फिर हम आगे बढ़ते हैं. मतलब इननेट ह्यूमैनिटी का पहला टाइप दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल सरफेस. There are two types of immunity as innate or inborn immunity and acquired or adaptive immunity. Innate immunity or inborn immunity. Innate immunity is the resistance to infections that an individual possesses. वो पहले का भी पढ़ ले ना immunity, types of immunity. वो paragraph भी पढ़ ले. ये वाला. There are two types वाला ना. हाँ, there are two types of immunity पढ़ा क्या तूने? ठीक है चल चल चल. तेरा वॉइस लैग हो रहा है रे. सर अभी भी आ रहा है उसका वॉइस. मेरे को नहीं सुनाई दे रहा है. तू जो अभी बोले वो तू बोल जरा. रुक जा श्रावणी इसको बोलने दे. तो रीड कर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एज इनहेट और इनबॉर्न. लैग नहीं हो रहा है. ठीक है बोल तू ही पढ़ ले पूरा. श्रावणी रुक जा अभी थोड़े देर के लिए. There are two types of immunity as innate or inborn immunity and acquired or adaptive immunity. Innate immunity or inborn immunity. Innate immunity is the resistance to infections that an individual possesses by virtue of his or her genetic makeup. It is the natural defense system of the body. It is not affected by prior contact with microorganisms or immunization. It is the non-specific when it indicates a degree of resistance to infection in general or specific where resistance to a particular pathogen is concerned. One form of innate immunity comprises the various types of barriers which prevent entry to foreign agents into the body. पढ़ वो भी पढ़. हेलो. यस सर मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है. अच्छा सॉरी मेरे को लगा तेरे पास. Epithelial surface, the intact skin and mucus covering the body. Protect is considerably against invasion by microorganisms. The healthy skin possesses bactericidal activity due to the presence of high concentrations of salt. Now, what is meant by bactericidal and bacteriostatic? सुना है कभी बैक्टेरियोसाइडल बैक्टेरियोस. चलो मैं बताता हूँ. बैक्टेरियोसाइडल एंड बैक्टेरियोस्टैटिक अभी आया है तुम लोगों को. द हेल्दी स्किन प्रोसेस बैक्टेरियोसाइडल एक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई एनवायरमेंट ऑफ सॉल्ट इन द ड्राइंग स्वेट. सुनो बैक्टेरियोसाइडल मतलब बैक्टेरियोस्टैटिक मतलब क्या. बैक्टेरियोसाइडल मतलब क्या मालूम है. जो बैक्टीरिया को ग्रो ही नहीं होने देगा. एक हाथ बैक्टीरिया गलती से समझो स्किन के ऊपर आ गया है तो बैक्टेरियोसाइडल रहेगा. वो ग्रो नहीं होगा जितना उतना ही रहेगा. बैक्टेरियोस्टैटिक जो है उसका मतलब कंप्लीटली मार डालेगा किल कर देगा. ठीक है तो द हेल्दी स्किन प्रोसेस बैक्टेरियोसाइडल इफेक्ट मतलब क्या. वो ज्यादा स्किन के ऊपर ग्रो होने नहीं देगा. क्यों. उसके ऊपर क्या है पता है. स्वेट ग्लैंड है. स्वेट ग्लैंड से रिलीज क्या करता है सॉल्ट. सॉल्ट के साथ कुछ ऑयल. तो वही का वही पूरी तरह वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है बराबर ड्राई करके. दूसरी बात पढ़ पढ़ आगे पढ़ाओगे पढ़. सेबेशियस सेक्रेशंस एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स हैव बैक्टीर. सर वो बैक्टीरियोसाइडल है ना. ये बैक्टीरियोसाइडल है. वो बैक्टीरियोसाइडल है हमारा बराबर है ना. एंड फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज एंड फंगिसाइडल properties. The mucosa of the fungus रुक जा fungicidal मतलब fungus को भी grow होने नहीं देता skin के ऊपर. नहीं था अगर समझो fungus grow ना चालू हो गया skin के ऊपर सब green हो जाएगा ना अपना skin green या काला. तो वो नहीं होने देता है पहली बात. और दूसरी बात ये है कि ये हो गया पहली बात. दूसरी बात ये है और bactericidal है मतलब उसके ऊपर कुछ आपका bacteria grow नहीं हो सकता जितना उतना ही रहेगा और मर जाएगा नहीं तो. आगे
The mucosa of the respiratory tract has several innate mechanisms of defense. The nose prevents entry of microorganisms to a large extent. The inhaled particles being arrested through hair at or near the nasal orifices. Those that pass beyond are held by mucus lining the epithelium and are swept back to pharynx, where they tend to swallowed or coughed out. The cough reflex is an important defense mechanism of respiratory tract. The mouth is constantly bathed in saliva, which has inhibitory effect on microorganisms. The acidity of gastric secretions in the stomach destroys microorganisms. The flushing action of urine eliminates bacteria from the urethra. Spermine and zinc present in semen are antibacterial. Okay, देखो सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है. सुनो, बोलना क्या चाहता है. कफ रिफ्लेक्स को तो मैंने बता दिया तुम लोगों को, गलती से कुछ हो गया तो वो बाहर फेंकता है, वो तो मैंने बता दिया तुम लोगों को. उसके अलावा लाइनिंग, अंदर का लाइनिंग भी मैंने बता दिया, इसोफेगस पे लाइनिंग होता है या नहीं. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी छोटे छोटे बाल होते हैं, ट्रेकिया पे भी छोटे छोटे एपिथेलियल सेल्स होते हैं. उसके अलावा नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं. वो ये सब चीजें हैं, ये बचपन से ही होता है. उसको बताना ये है कि ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे वैसे वैसे आपको नाक पे बाल आएगा, वो आएगा, ये आएगा, वैसा आएगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं है. ये आपको बचपन से ही रहेगा, वो धीरे 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 जाके वो डेवलपमेंट होगा, ऐसा उसको बोलने का मतलब है. तो इसका बोलने का मतलब ये है, जो भी हमारे सिस्टम में जैसे भी जो भी इम्प्लांटेड है, ये सब हमको इम्यूनिटी के खिलाफ, मतलब बैक्टीरिया, इम्यूनिटी मतलब क्या, रोग प्रतिकारक शक्ति, रोग होने नहीं देने वाले जो भी चीज है उसको हम बोलेंगे रोग प्रतिकारक शक्ति. जैसे स्किन, जैसे कि छोटे छोटे बाल नाक के, यानी तो रेस्पिरेटरी ट्रैक का इकअप्स, यानी तो हम बोलते हैं एसिडिटी का रिफ्लेक्स, ये सब चीजें है वो हमको होने नहीं देता. और जैसे कि अगर एक हाथ समझो कुछ ज्यादा ही यूरिन में इन्फेक्शन हो गया तो वो यूरिन के थ्रू बाहर फेंकता है. स्पर्मिन और जिंक प्रेजेंट इन द सीमेन आर एंटी बैक्टीरियल. बराबर, सिंपल, क्लियर. अब आगे जाते हैं. और एक तुम लोगों को पता है क्या, नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ मैं, और एक चीज बताता हूँ तुम लोगों को. तुम लोग देखेगा मोस्ट इन्फेक्टेड या मोस्ट ओपन एरिया टू द इन्फेक्शन इज डैश ऑर्गन. फिर से रिपीट करता हूं, मोस्ट ओपन ऑर्गन और मोस्ट चांस ऑफ इन्फेक्शन टू द ऑर्गन इज डैश ऑर्गन. मतलब ऐसा ऑर्गन है बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. नहीं 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 नहीं, उसके अलावा और कुछ आईज जो है वो मोस्ट ओपन इन्फेक्टेड एरिया हो सकता है. कैसे, हम ड्राइविंग करते समय आग चलाते हैं, आग मतलब ओपन रखते हैं, और ड्राइविंग करते समय, बाइक चलाते समय, या कोई भी काम करते समय आग ओपन ही होता है, अंटिल अनलेस जब हम सोते हैं. तो ये आग ओपन होने की वजह से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जाने के चांसेस है. बट ये जाने के बावजूद भी अंदर एक ग्लैंड है जिसका ग्लैंड का नाम है लाइसोजिम ग्लैंड या लैक्रिमल सेक्रेशन, जो टीयर, उसके अंदर एक सब्सटेंस है, एक तुमने सुना होगा, अंदर एक ये होता है, ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्रिमल सेक्रेशन या लैक्रिमल ग्लैंड्स. वो क्या करता है, एक सेक्रेशन छोड़ता है जो क्या होता है, लाइसोजोम होता है, लाइसोजम उसका नाम है, ठीक है. वो क्या करता है, वो एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को मारने वाला रहता है. वो क्या करता है, कोई भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए बिंदास रहता है. मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो आंसू है, आंसू के अंदर एक ग्लैंड है जिसका नाम है लैक्रिमल ग्लैंड. वो लैक्रिमल ग्लैंड सिक्रेशन छोड़ता है, वो सिक्रेशन का नाम क्या है, लाइसोजाइम. वो लाइसोजाइम क्या करता है, कोई भी टाइप का बैक्टीरिया हो, मोस्ट खास करके पॉजिटिव बैक्टीरिया सीधा मार देता है. तो उस वजह से आई इन्फेक्शन जल्दी होता नहीं है. क्लियर? यस सर. सिंपल, क्लियर. एक दो मिनट रुको. एक अर्जेंट कॉल आया, एक मिनट रुको.
का भाई? ఎప్పుడొచ్చినావు? అచ్చా అచ్చా, ठीक है ठीक है। ఇంట్లో హోటల్ ఉన్నా? లెక్చర్ తీసుకుంటున్నా, లెక్చర్స్ లెక్చర్స్ చాలు ఉంది. చెప్తా చెప్తా చెప్తా, లెక్చర్ అయినాక అపాయింట్మెంట్ అయినాక జూమ్ మీటింగ్ నడుస్తుంది, చేస్తా. చేస్తా కొంచెం చెప్పట్లో. Where is the Zoom meeting? Zoom meeting, Zoom meeting. Okay, get back to the Zoom meeting. Get back to the Zoom meeting. हाँ, तो ये हो गया हमारा. उसी तरह तुम लोगों को कुछ पढ़ना है तो ऊपर पढ़ सकते हो. साइटोकाइनिंस भी है. साइटोकाइनिंस में अभी पढ़ाने की पढ़ाने का नहीं सोचूंगा. इसको मैं जब इन्फेक्शन रहेगा, इन्फेक्शन के सबे पढ़ाऊंगा. अभी नहीं पढ़ाऊंगा साइटोकाइनिंस. फिर भी चलो बोल देता हूँ मैं. साइटोकाइनिंस मतलब क्या? साइटोकाइनेंस एक ऐसा होता है कि वो वायरस, वायरस जैसे कि अभी कोविड ही ले लो, ज्यादा करके कोविड ही बताता हूँ, कोविड के एग्जांपल से देता हूँ. साइटोकाइनेंस मतलब क्या? जो सेल, साइटो मतलब सेल, काइनेंस मतलब एक मारने वाला. तो ऐसा टाइप का केमिकल जो सीक्रेट होता है अपने बॉडी में ही, जो नेचुरली होता है, बचपन से ही होता है, जो वायरस को मारने के खिलाफ होता है. तो ये भी हमारे बॉडी के अंदर पड़ा है ऑटोमेटिक बचपन. ठीक है, अब्सेंस इन द ब्लड एंड टिश्यू, सेकंड टॉपिक. क्या हो सकता है, क्या होता है उसका मतलब क्या है? एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस इन द ब्लड एंड टिश्यू मतलब अभी जो मैंने बताया ना तुमको, साइटोकाइनेज वाला. साइटोकाइनेज हमको बचपन से ही पढ़ा हुआ है. साइटो मतलब सेल, काइनेज मतलब मारने वाला. ये वायरस को मारने वाला, खास करके वायरस है बैक्टीरिया को मारने वाला, जो अपने अंदर ही पड़ा रहता है. वो पर्टिकुलर समय पे निकलता है, पर्टिकुलर बैक्टीरिया को किल कर देता है. वो बचपन से होता है, जब से जन्म हुआ है तब से ब्लड है, तो जाहिर सी बात है वो ब्लड में पड़ा रहता है. ये भी राइट है, मतलब बचपन से ही है. अब थर्ड वाला एक बार देख लो, मैं एक बार सब रीड कर देता हूँ. थर्ड मतलब सी डी ई, सबको रीड कर दो, फिर तुम पढ़ो. सी, सेल्युलर फैक्टर इन द इननेट इम्यूनिटी. ये तो हमने 100 बार पढ़ा है. 100 बार मतलब बहुत बार पढ़ा है. जैसे कि क्या, लास्ट टाइम पे मैंने बताया था डब्ल्यूबीसी का मेन मेन काम क्या है? फेगोसाइटोसिस. नो, व्हाट इज मीन बाय फेगोसाइटोसिस? फेगोसाइटोसिस मतलब क्या? बैक्टीरिया को एनगल्फ करना. बैक्टीरिया को एनगल्फ करके उसके जो बैक्टीरिया को एनगल्फ करना, बैक्टीरिया को एनगल्फ करना मतलब क्या? एक ऐसे तरीके का प्रोसेस. इट इज अ प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया, इट इज अ प्रोसेस इन विच WBC engulfs the bacteria and kills the bacteria by releasing toxins. मतलब हो गया तुम्हारा phagocytosis. जैसे last time हमने पढ़ा था neutrophil, याद आया neutrophils? मैंने बताया था neutrophils का काम क्या है? phagocytosis. phagocytosis मतलब क्या? कोई भी pathogen आ गया, bacteria आ गया या fungus, virus जो भी आता है, तो पहले सबसे पहले neutrophil क्या करता है? उसको engulf करता है, अपने अंदर ले लेता है और उसको toxin release करके उसको मारने की कोशिश करता है. That is called what? phagocytosis. ठीक है, क्लियर, समझ में आया? वो हो गया फेगोसाइटोसिस. अगर समझो ये एक आध बार समझो फेगोसाइटोसिस काम नहीं कर पाया, तो अपने पास नेचुरल सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स. वो क्या करता है? वायरल इन्फेक्शन और ट्यूमर्स को मारने की कोशिश करता है, अपने अंदर ही होता है. वो एक बार रीड करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. अब फीवर, फीवर भी तो एक टाइप का अपना नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है. कैसे? तुम लोग सोच रहे होंगे, अरे फीवर कैसे हमको बीमारी से रोकता है? क्यों फीवर आना अच्छी बात है? हम बोलते हैं ना, अरे एक आध बार फीवर आना ही चाहिए. क्यों? मेरी आवाज आ रही है कि मैं ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ? हेलो, यस और नो? आ रही है सर. हाँ हेलो,
यस सर आ रही है ना? हाँ हाँ ठीक है तो हाँ हाँ तो होता क्या है जब हम नेचुरली बोलते हैं ना, अरे फीवर एक आध बार आना चाहिए, साल भर में एक बार आना चाहिए, अच्छी बात है. क्यों अच्छी बात है? क्या होता है, देयर इज अ सडन राइज इन द बॉडी टेम्परेचर, मतलब हमारा अपना बॉडी का टेम्परेचर सडन राइज हो जाता है, अचानक बढ़ जाता है. ठीक है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, अपने अंदर का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो क्या करेगा इंटरफेरन को एक्टिवेट करेगा और वो वायरल इन्फेक्शन या जो भी ये चीजें है उसको रिकवरी करेगा और बैक्टीरिया को किल कर देता है. फीवर, सडन राइज इन द फीवर, बट हमेशा नहीं है, एक दिन के लिए ठीक है, एक दिन आया दूसरे दिन गया बड़ी चलेगा, बट बार बार आया बार बार गया नहीं चलेगा. समझो फीवर मतलब, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है बीमारी वाला फीवर नहीं है, मतलब एक हाथ बार ऐसे आ गया, एक दिन आ गया है फीवर और दूसरे दिन क्या पूरे 6 महीने तक आया नहीं, उसको हेल्दी फीवर बोलेंगे. ठीक है, दूसरा ई पार्ट जिसको बोलेंगे एक्यूट फेस प्रोटीन्स, ये क्या होता है, ये तुमने सुना होगा, आजकल बहुत सारे लोग टेस्ट करते हैं क्या, जैसे कि सीआरपी, सुना है सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, सुना है नहीं सुना है छोड़ो. जैसे कि समझो कुछ इंजरी हो गया है अंदर ही, प्लाज्मा प्रोटीन्स पे, प्लाज्मा प्रोटीन्स पे मतलब कैसे बताओ, समझो हमारे अंदर प्रोटीन्स है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, कंपोनेंट दो थे, एक होता है प्लाज्मा दूसरा होता है ब्लड कॉर्पसल, ब्लड कॉर्पसल मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, तो मैं प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ. तो उसमें कुछ डैमेज हो गया, समझो गलती से कुछ बैक्टीरिया या वायरस ने आके इन्फेक्शन करके डैमेज कर दिया. ठीक है, वो हमको पता कैसे चलेगा डैमेज हुआ है, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज होता है. सी रिएक्टिव प्रोटीन एक नाम का एंजाइम है या प्रोटीन है, वो बढ़ जाता है, तो उसमें पता चलता है हाँ कुछ तो इन्फेक्शन हुआ, स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन हुआ जो प्लाज्मा टिश्यू सेल्स को भी डैमेज किया है. जैसे किसमें, कोविड में लंग्स टिश्यू से बना है, सेल से बना है, ये अंदर का जो भी सिस्टम है उसमें जाके वो डैमेज कर रहा था. डैमेज कर रहा था मतलब पूरी तरह लंग्स को खा रहा था या उसको अंदर ब्लॉकेज बना रहा था या फाइब्रोसिस कर रहा था, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था. तो सीआरपी लेवल से हमको पता चलता था कितना सीवियर इन्फेक्शन है, कितना सीवियर खा रहा है वो, तो वो सीआरपी लेवल से हमको पता चलता था. तो ये जो है जैसे कि मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, अल्फा वन एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन, सीरम हेमोलाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे है, वो एनहांस करता है होस्ट रेजिस्टेंस को, प्रिवेंट टिश्यू इंजरीज, टिश्यू को इंजरी करने के लिए बचाता है, जैसे लंग्स को इंजोर होने से बचाएगा कोविड में, प्रोमोट रिपेयर ऑफ इन्फ्लेमेटरी लीजन्स, अगर गलती से भी इंजरी हुआ अंदर, जैसे कि समझो कोविड ने खा लिया थोड़ा बहुत लंग्स, तो उसको रिकवरी करने में यही प्रोटीन हेल्प करता है, फिर से वो टिश्यूज को फिर से डेवलप करे, तो ये भी अपने आप बचपन से रहता है. बट वो बात अलग है, कोविड में उतना उसने ज्यादा काम नहीं किया, ये थ्योरी फ्लॉप हो गया, इतना काम नहीं किया ना, नहीं तो अगर ये अपने आप से काम करता, अपने आप से वायरस को कम करता और जो लंग्स सड़ गए उसको ठीक करता, तो ये मैकेनिज्म काफी सक्सेसफुल होता, बट ये ऐसे देने के लिए दिया है. बट ठीक है, पढ़ने के लिए सिलेबस में तो पढ़ लिया आपने बराबर, ठीक है. 5 तरीके से हमको रोक सकते हैं नेचुरली, एपिथेलियल सरफेस पूरा पढ़ा हमने, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस इन द ब्लड एंड टिश्यूज, मतलब कुछ कुछ सब्सटेंस जैसे साइटोकाइनेस हो गया वो सब पढ़े रहते हैं, प्रोटीन्स वो, सेलुलर डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैगोसाइटोसिस, फीवर भी सडन राइज हुआ तो पैथोजन मर जाते हैं, एक्यूट फेस प्रोटीन्स जो मैंने बताया, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स. ठीक है, इतना ही है, ये एक एक करके हम रीड करते हैं. समझ में आया क्या? यस सर. आवाज क्यों कम आ रही है मेरे को? ठीक है चलो बोलो, फोन पढ़ रहा है. यस सर, नॉलेज एनहांसर पढ़ना है. वो नहीं, मैंने बता दी ना, वही है आंखों का, आईज का, आंसू, मैं बताया ना, आईज इज द मोस्ट इंफेक्टेड एरिया, वजह होता है लैक्रिमल ग्लैंड, वो सिक्रेट करता है लाइसोजाइम, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बी से पढ़. Antimicrobial substances in blood. B से पढ़ना, antimicrobial substance in blood and tissue. जोर से पढ़, आवाज नहीं आ रही है. Okay.
The complement system contains more than 30 serum proteins circulating in the blood in an inactive state. The presence of microbial. अबे आवाज नहीं आ रहा तेरा, जोर से पढ़ना. सर पढ़ तो रही हूँ जोर से. मेरे को क्यों नहीं आ रहा, कोई और पढ़ो. सर आपका हेडफोन का कोई प्रॉब्लम होगा. क्या बोला, कुछ बोला तूने? सर शी इज सेइंग कि आपका हेडफोन का प्रॉब्लम होगा. अरे मैंने स्पीकर पे रखा ऑफ, इसलिए तो आवाज नहीं आ रहा, वही तो बोल रहा हूँ मैं. सर आपको सिर्फ मेरा चलो, आवाज चलो, नहीं आ रहा बोलो. कि सबका आ रहा है? हाँ आपको सिर्फ मेरा आवाज नहीं आ रहा कि सबका नहीं आ रहा है? मेरे को बहुत स्लो आ रहा है, बट ठीक है मैं मैनेज करता हूँ. मैं एकदम कान के पास रखा हूँ, सुनना तो है मेरे को. कहा जा गलत होगा या कुछ समझाने का तो मैं समझाऊंगा. रीड करो, ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, रीड कर. सर आप स्क्रॉल करो ना ऊपर. हाँ सॉरी. बोल. एंटीबैक्टीरियल. पढ़. सर मैं नेटवर्क को क्या हुआ पता नहीं, एक मिनट. हाँ नेटवर्क सर मेरे को ब्लैंक दिख रहा है पूरा स्क्रीन. सर आप डेटा पे स्विच करो ना, वाईफाई बंद करो. तो जब आप डेटा पे थे तभी आपको आवाज आ रहा था. कोई और पढ़ो. अरे यार वॉइस क्यों नहीं आ रही है मेरे को, एक मिनट. एक सेकंड रुको, खाली एक सेकंड रुको. अभी तो आ रहा था. चलो अभी पढ़, मैं कर, अभी आएगा मेरा वॉइस है. पता नहीं क्या हुआ था तभी. मेरा वॉइस नहीं, मेरा वॉइस बराबर था, तुम लोग का नहीं आ रहा था. कुछ भी नहीं सुना जा रहा था, जीरो. अब शायद सुनाई देगा. सर अभी आया. हाँ एकदम परफेक्ट है अभी. पढ़. पहले कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, इसलिए मुझे कान के पास रखना पड़ रहा था, तो वो रोटेशन की वजह से वो स्क्रीन हिल रहा था. चलो पढ़. एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस इन ब्लड एंड टिश्यू. एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यूज. द कॉम्प्लीमेंट टिश्यू कंटेन्स मोर देन 30 सीरम प्रोटीन्स सर्क्यूलेटिंग इन द ब्लड इन एन इनएक्टिव स्टेट. द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोबियल पैथोजेंस एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट कैस्केड टू एलिमिनेट पैथोजेंस. The interferons are a class of cytokines released by viral cells infected with viruses and certain white blood cells to stimulate other cells to protect themselves from viral infection. तो ये याद रखो, interferon जो है ना mostly जो danger molecules या danger proteins जो release करता है to fight against virus mostly and bacteria, वो थे interferon. और वो खास करके cytokines. ठीक है, cytokines. आगे. Cellular factors in innate immunity. Natural defense against the invasion of blood and tissue by microorganism and other foreign particles is mediated to a large extent by phagocytic cells which ingest and destroy them.
phagocytic cells are grouped as microphages and macrophages. They remove foreign particles that enter the body. A class of lymphocytes called natural killer cells is important in non-specific defense against viral infections and tumors. ठीक है, समझ में आ गया ना? माइक्रोफेज है, मैक्रोफेज जो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट काम करता है, मोनोफेज काम करता है, वही है। आगे चलो। तो फीवर ना? हाँ फीवर। Fever. Increase in the body temperature following the infection is a natural defense mechanism. It helps to accelerate the physiological process to destroy the invading pathogens. Fever stimulates the production of interferon and helps in recovery from viral infections. Acute phase proteins, APPs. Infection on injury leads to a sudden increase in concentration of certain plasma proteins, collectively called acute phase proteins. These include C-reactive proteins, CRP, mannose binding protein, alpha-1, acid glycoprotein, serum amyloid P, etc. APPs are believed to enhance host resistance, prevent tissue injury, and promote repair of inflammatory lesions. ठीक है, तो इसका बोलने का मतलब ये मैंने बताया आप लोगों को, कभी कभार कुछ बीमारी की वजह से हमारा टिश्यूज इंजरी होती है या ऑर्गेन इंजर होता है, तो ये जो बहुत सारे अलग अलग नाम दिए, जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन, बहुत सारे अलग 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 नाम दिए हैं, तो ये जो नाम है उस नाम के हिसाब से आपका सीरम एमाइलॉइड हो गया, ये सब काम करता है, प्रिवेंट टिश्यू इंजरी, प्रोमोट रिपेयर ऑफ इन्फ्लेमेटरी लीजंस, ये सब काम करता है जिसके वजह से इन्फेक्शन नहीं होता। ठीक है, अब आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का छोटा सा डेफिनेशन में देता हूँ, फिर उसके बाद हम बाकी की चीजें कल पढ़ेंगे, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या? सिंपल है, हमने जिसको एडेप्ट किया है, जिसको हमने अपनाया है, उसको बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक चीज स्पेसिफिक के लिए काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हमने टाइफाइड वैक्सीन लिया तो सिर्फ टाइफाइड के लिए काम करेगा, पूरे दुनिया भर के बैक्टीरिया के लिए काम नहीं करेगा, इसलिए इसको स्पेसिफिक बोलते हैं। और हम इननेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं, क्योंकि उसका ऐसा कुछ रूल नहीं है। हाँ भाई, वायरस आया तो भी मैं स्किन हूँ तो रोकूंगा, बैक्टीरिया आया तो भी रोकूंगा, फंगस आए तो भी रोकूंगा, समझा? अभी वाइड इज कॉल्ड स्पेसिफिक, वाइड इज कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक। ऑलवेज एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक रादर देन दैट इज व्हाट नॉन स्पेसिफिक। क्लियर? उसके बाद आगे जाता हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ डेफिशिएंस ये भी है, ये क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन है, ये अभी नहीं बोलूंगा, ये मेरे को इंटरेस्टिंग तरीके से बताना है, तो अब इसको मैं यूटिलाइज नहीं करूंगा। बोलू कि नहीं बोलू? चलो स्पेसिफिसिटी बता देता हूँ। इट कैन प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज और टी लिम्फोसाइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन। मतलब क्या? स्पेसिफिसिटी होती है। जैसे कि समझो, इसमें भी कैसा होता है पता है क्या, एक समझो एंटीजन ए है, एंटीजन ए को मारने वाला एंटीबॉडी बी ही रहेगा, सी नहीं मारेगा। जैसे एंटीजन डी है, एंटीजन डी को मारने वाला एंटीबॉडीज ई रहेगा, दूसरा कोई और नहीं रहेगा। तो स्पेसिफिसिटी। डाइवर्टिसिटी मतलब इसमें कितना भी पैथोजन कहीं से भी हो, कितने भी अंदर पड़े हो, कि तो ढूंढना रिकॉग्नाइज करना इजी है, डोंट वरी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन मैंने पहले ही बताया, बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडीज को सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करना ही आना चाहिए, नहीं तो नहीं रिकॉग्नाइज किया तो क्या होगा, खुद के सेल को भी मार डालेगा। मेमोरी एक ऐसा है ह्यूमन सिस्टम का बैकअप, कि ये कुछ भी हो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखता है। मतलब जैसे चित्रगुप्त कैसा होता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा का पूरा रिकॉर्ड रख रहा है, उसी तरह ये भी रिकॉर्ड रखता है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड स्टार्ट एंड तक, कि हाँ अब ये आया,
यहाँ से उसको मारा, उसके बाद उसको मारा, पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो रखता है उसको हम मेमोरी बोलते हैं, स्टोर करके रखते हैं ना, कैसे भी हो, फर्स्ट एनकाउंटर हो, सेकंड एनकाउंटर हो, बस जब सेकंड एनकाउंटर होता है ना, पहले समय क्या होता है, जब समझो मेरे को, समझो हो गया कोई डिजीज, चलो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स पकड़ लो, हो गया मेरे को, फर्स्ट टाइम पता नहीं तारे कैसे हुआ बट हो गया, सेकंड टाइम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक एनकाउंटर हो गया है, उसमें हिसाब खाता पूरा लिखा गया है, सब कुछ पता है किसको कैसे आया तो कब मारना है, सेकंड टाइम डायरेक्ट है तो डायरेक्ट अटैक, कुछ साइन और सिम्टम्स नहीं, दैट इज कॉल्ड मेमोरी, बराबर, क्लियर। अब इसको बाकी के डिटेल में हम पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम जब करेंगे तब उसको और भी डिटेल में करेंगे, और बी सेल्स भी पढ़ना है हमको, टी सेल्स भी पढ़ना है, और उसके बाद वैक्सीनेशन, देखो एक टॉपिक डाला है, वैक्सीनेशन करेंगे, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर, ब्लड ग्रुप करेंगे, फिर खत्म, हेल्थ हो गया, फिर डिजीजेस, डिजीजेस बहुत सिंपल सिंपल है, मजा आएगा, सब अलग अलग तरीके के डिजीजेस है, और फाइनली चैप्टर खत्म, बस 10-12 डिजीजेस है, और एड्स है, कैंसर भी है उसके अंदर, और कुछ ये है मेंटल हेल्थ एंड एडोलेसेंस है, गांजा के बारे में भी है, कैनेबिस के बारे में ड्रग एडिक्शन के बारे में है, तो बस खत्म, इतना ही है, बहुत अच्छा है ये, क्लियर, डन, किसी यस को कुछ सर, पूछना है, एक बार नो रीड करो, नो किसी को कुछ पूछना है, सर, एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना नहीं है तो मैसेज डाल दो नो और जा सकते हो, ठीक है, साहिल जा सकता है, हस्ती जा सकती है, तन्वी जा सकती है, नो अमन जा सकती है, यू कैन गो, आई जा सकती है, दिशा यू कैन, जिसको डाउट है वो रुक सकता है, बाकी जिसको डाउट नहीं है मैसेज बॉक्स में नो डाउट करके लिख के आता है, तो ऑलमोस्ट आगे का नेक्स्ट टाइम देखेंगे, कुछ डाउट किसी को डाउट है।